हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ठंड स्टार्ट हो चुकी है और ठंड के स्टार्ट होते ही हमारी स्किन की जो ड्राइनेस है वो भी बढ़ने लगती है। स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा रूखी सूखी होने लगती है, कटने फटने लगती है, इसलिए हमें विंटर में अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। वैसे तो हमें हर मौसम में ही अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, लेकिन विंटर में ये बहुत ज़्यादा हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा केयर मांगती है, नहीं तो हमारी स्किन बहुत ही डल हो जाती है। क्योंकि इस विंटर के टाइम में जो हवा चलती है वो हमारी स्किन से मॉइस्चर खींच लेती है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देती है, और जब स्किन ड्राई हो जाती है तो स्किन में ईचिंग होने लगती है, स्किन कटने फटने लगती है और पूरे शरीर में फटी हुई एड़ियाँ, फटे हुए होठ, हाथ पैर सब फटने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में विंटर में हम अपनी स्किन की किस तरीके से केयर करें कि हमारी स्किन पूरे टाइम सॉफ्ट और स्मूथ बनी रहे और बिल्कुल भी ड्राई ना हो, तो उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको आप फॉलो करके अपनी स्किन को पूरे सर्दियों सॉफ्ट और स्मूथ बना सकते हैं। जो विंटर में स्किन केयर की जो टिप्स हैं, फर्स्ट टिप ये है कि हमें हमेशा जब भी हम सर्दियों में नहा रहे हैं तो उससे आधे घंटे पहले हमें अपने पूरे शरीर में ऑयल से अच्छी तरह से मसाज करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा मॉइस्चर जो हवा से खिंच जाता है, निकल जाता है सर्दियों की हवा से, वो अंदर लॉक हो जाए। वैसे तो आप किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये स्किन को बहुत ही अच्छे ढंग से नरिश करता है। वैसे तो किसी भी ऑयल से मसाज करें, लेकिन पूरे शरीर की अच्छी तरह से मसाज कर लें और आधे घंटे बाद जाकर नहाएं, तो इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी। जो सेकंड टिप आता है वो ये है कि जब भी आप नहाएं, तो सर्दियों में मन करता है कि जब ठंड लग रही है तो गर्म गर्म पानी से नहाएं, तो गर्म पानी से जितना आप नहाएंगे उस आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा ड्राई होगी, क्योंकि जो गर्म पानी है वो जो आपने ऑयल लगाया वो भी सारा साफ़ कर देगा और अंदर की स्किन का जो नेचुरल ऑयल है उसे भी सब रिमूव कर देगा और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। गर्म पानी से नहाने पर स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, तो इसलिए कोशिश करें कि सर्दियों में नॉर्मल पानी से अगर नहा सकते हैं तो नॉर्मल पानी से नहाएं, ताज़े पानी से नहाएं, नहीं तो जो हल्का गुनगुना पानी होता है उससे नहाएं, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं पड़ेगी। अब इस क्रम में जो थर्ड टिप आता है वो ये है, जब नहा रहे हैं आप तो केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ कम से कम करें, हो सके तो नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करें सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में नहाते टाइम, कि जो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं वो भी स्किन की ड्राइनेस को बढ़ाते हैं, स्किन के मॉइस्चर को ख़त्म करते हैं, तो इसलिए जहाँ तक हो सके नेचुरल चीज़ें यूज़ करें अपने नहाते टाइम। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी नेचुरल होममेड सोप की रेसिपी शेयर की है, जिसमें कोई भी कास्टिक सोडा या सोप बेस नहीं है, जो बिल्कुल ही नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी। तो नेचुरल अगर सोप से आप नहाएंगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ रहेगी और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट टिप आता है वो ये है कि नहाने के बाद में अपने शरीर को टॉवल से बहुत ही हल्के हाथों से पोछे, जो एक्स्ट्रा पानी है सिर्फ ऐसा पोछे कि वो ही हटे, पूरी तरह से रगड़ रगड़ कर अपनी स्किन को ड्राई ना करें। और जब आप एक्स्ट्रा पानी पोछ लें तभी उस पूरे शरीर पर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करें, और अगर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं है तो अपने मॉइस्चराइज़र में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करें और फिर उसे अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई करें, जिससे कि काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। विंटर स्किन केयर का जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी स्किन को कवर करके निकलें, जिससे कि जो सर्दियों में बाहर हवाएं चलती हैं उनका असर आपकी स्किन पर बहुत ही कम से कम पड़े और वो आपकी स्किन को ड्राई ना कर पाए। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बाहर निकलने से पहले अपने बालों को, अपनी स्किन को अच्छी तरह से कवर कर लें। अब जो विंटर स्किन केयर में नेक्स्ट टिप आता है वो ये है कि अक्सर हमारे हाथ पानी के टच में आते रहते हैं पूरे दिन, घर का काम करने में, किचन का काम करने में, या वैसे भी पूरे दिन हमारे हाथ धुलते रहते हैं, जिससे हाथ की स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप अपने हाथ धोएं तो उसके बाद में मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें,
जिससे कि आपके हाथ हमेशा ही सॉफ्ट और स्मूथ बने रहेंगे। अब जो विंटर स्किन केयर का नेक्स्ट टिप है वो ये है कि इसकी मार हमारे होठों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। हमारे होठ बहुत ज़्यादा कटने फटने लगते हैं और जब वो कटने फटने लगते हैं तो उनसे ब्लड भी निकलने लगता है। तो इसके लिए विंटर के टाइम में दिन में 4 बार अपने लिप्स पर लिप बाम ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको लग भी रहा है कि अब हमारे लिप्स ठीक हैं, कट फट नहीं रहे हैं, तो भी डेली ही लिप बाम का यूज़ करते रहें 3 से 4 बार, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो 1 से 2 दिन बाद ही वापस से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए विंटर में हमेशा दिन में 3 से 4 बार लिप बाम का यूज़ करें और हमेशा अपने पास अगर बाहर जा रहे हैं तो लिप बाम को कैरी करें। विंटर स्किन केयर का जो नेक्स्ट टिप है वो है हमारी एड़ियों के लिए। जैसे कि हमारे होठ, हाथ, पैर, मुंह सब फटते हैं, उसी तरह से हमारी एड़ियाँ भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फटती हैं, तो हमें अपनी एड़ियों का भी सही ढंग से ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके लिए आप अपनी एड़ियों पे होममेड क्रीम या मार्केट वाली क्रीम या कुछ भी तेल वगैरह ज़रूर अप्लाई करें डेली ही रात को। अगर आपकी एड़ियाँ फट भी नहीं रही हैं, थोड़ी बहुत हैं, तो भी उनमें 1 बार करें। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो दिन में 2 बार करें। उन्हें अच्छे से केयर करें जिससे कि आपकी एड़ियाँ भी सॉफ्ट और स्मूथ बनी रहें। अब जो नेक्स्ट टिप आता है विंटर स्किन केयर का कि लास्ट में रात को सोते समय भी अपने पूरे शरीर पर हॉट ऑयल से मसाज करें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके शरीर में गर्मी आएगी, दूसरा ये कि आपकी पूरी बॉडी जो अब तक पूरे आप बाहर निकले हैं या कुछ गए हैं उसके बाद आपकी पूरी बॉडी दोबारा से रिपेयर होगी, क्योंकि रात को सोते समय जब आप ऑयल से अच्छे से मसाज करेंगे अपनी पूरी बॉडी को तो वो रात में अच्छे ढंग से रिपेयर होगी, क्योंकि रात में स्किन का रिपेयर होने का काम दुगनी तेज़ी से होता है। तो वो आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का काम करेगा। पूरी रात आपके ऑयल कहीं भी ना तो कोई बाहर वाली हवा लगेगी आपकी स्किन को, ना कुछ होगा, ना उसका मॉइस्चर निकलेगा, बल्कि वो ऑयल आपकी स्किन में अंदर तक समा जाएगा और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी बनेगी, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। इसलिए डेली रात को सोने से पहले 1 बार हॉट ऑयल से पूरे शरीर की ज़रूर मसाज करें। और लास्ट में जो विंटर स्किन केयर का टिप आता है वो ये है कि हमें बाहर एक्सटर्नल केयर के अलावा हमें इंटरनल केयर की भी ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें चाहे सर्दी आए उसमें पानी पीने का मन ना करे, लेकिन दिन में 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका बॉडी सिस्टम जो है, बॉडी फंक्शन है, वो अच्छे ढंग से काम करेगा, और दूसरा आपकी बॉडी अंदर से भी हाइड्रेटेड रहेगी, जिसका फ़र्क आपको अपनी स्किन पर भी दिखाई देगा। जब अंदर से पानी की कमी रहती है तो उससे भी स्किन ड्राई होने लगती है। तो इस तरीके से इन सभी टिप्स को फॉलो करके, इन सभी टिप्स का यूज़ करके आप अपनी स्किन को विंटर में भी बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और इन कटने फटने स्किन के इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।